आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट फ्री एंड फास्ट लाइटवेट थीम्स फॉर वर्डप्रेस इन 2022. हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी यहां पर मैं ब्लॉगिंग वर्डप्रेस, होस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फ्री थीम्स के बारे में जो वर्डप्रेस पर है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए ई e कॉमर्स के लिए एल के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के लिए एंड मैंने काफ़ी सारे फ्री थीम्स का यूज़ किया है उसके बाद यहाँ पर मैंने चार फ्री थीम्स को शॉर्टलिस्ट किया है इस वीडियो के लिए अगर आपको और ऑप्शंस देखने हैं तो वो आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर बेस्ट फ्री थीम्स जो फ्री भी है अच्छे आपको ऑप्शन uh, भी प्रोवाइड करा देते हैं प्लस फास्ट भी है लाइट वेट भी है ए भी वहाँ पर अच्छी हो जाएगी तो ऐसी यहाँ पे चार थीम्स को मैंने सेलेक्ट किया है कौन सी थीम किस पर्पस के लिए अच्छी रहेगी वो भी हम लोग देखेंगे फॉर डिफरेंट सिनारीओस देर आर डिफरेंट थीम्स विच कैन फुलफिल योर नीड्स तो उसके बारे में भी हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे और अगर अभी तक आप लोगों को आइडिया नहीं है कि किस टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था बेस्ट प्रॉफिटेबल नीशेज इन इंडिया वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा आप लोग जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो अभी हम लोग चलते हैं बेस्ट थीम्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं नंबर फोर से नंबर फोर है हमारे पास ओशन डब्ल्यू पी ओशन डब्ल्यू पी इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर थीम इन वर्ट डिपॉजिटरी जिसके एक्टिव इंस्टॉलेशन की बात करें तो दैट इज़ सेवन लाख प्लस ये रेगुलरली अपडेट भी होती रहती है प्लस अगर आपने मेरे वेब होस्टिंग रिव्यूज देखे होंगे तो जो मैं डब्लू पी ही रहती है यूज करता हूँ तो यहाँ पर बिल्डर्स को सपोर्ट करता है ब्लॉक कस्टमाइजेशन के आपको फीचर्स मिल जाते हैं काफी पुरानी थीम है एस्टेब्लिश्ड है और ई कॉमर्स कंपैटिबिलिटी भी इसमें अच्छी है अब इसके कुछ कॉन्स की बात करी जाए तो आपको हेडर और फुटर के ऑप्शन इसमें नहीं देखने को मिलते हैं ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है ब्लॉक कस्टमाइजेशन के सिर्फ बेसिक ऑप्शनस ही अवेलेबल है इनके फ्री वर्जन पे और जो फ्री टेम्पलेट्स है वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है दैट इज़ जस्ट फिफ्टीन और जो इसकी यू है वो मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है एट प्रेजेंट बट दे आर वर्किंग ऑन अ मेक ओवर इस ये अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है बट दे आर वर्किंग ऑन इट जो नई यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से इसकी यू रहेगी विच लुक्स गुड कंपेयर टू जो इनका अभी एट प्रेजेंट है हो सकता है जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक इनकी नई यू आ गई हो सो दिस थीम इज आइडल फॉर ब्लॉगिंग ई कॉमर्स या फिर पर्सनल वन पेज वेबसाइट्स भी इसका यूज़ किया जा सकता है सपोर्ट के बारे में बात करी जाए तो इनका जो नॉलेज बेस है वो मुझे अच्छा लगा है काफ़ी पुराना है तो काफ़ी यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है और जो इनका बेसिक कस्टमर सपोर्ट है ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अलग सा लगा है कि इन्होंने यहाँ पे तीन चार टाइप के सपोर्ट बना के रखे हैं सपोर्ट थ्रू फॉर्म्स फिर ओशन डब्ल्यू पी डशबोड फिर प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट अलग है फिर वी के भी दो हैं तो इतने सारे कस्टमर सपोर्ट बना के रखे हैं सिर्फ एक दो बनाओ एक फ्री वाले के लिए एक पेड वाले के लिए दात सेट क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो भाई सो ओशन डब्ल्यू पी यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट फ्री वर्ल्ड प्रेस थीम्स बट राइट नाउ एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई थिंक दे आर लैकिंग बिहाइंड उन्होंने उतना इम्प्रूव नहीं किया है कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है दे आर लाइक स्टिक जैसे आज से तीन साल पहले थी वैसे ही मुझे ये आज भी दिख रही है तो आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं एट प्रेजेंट बट अगर आपको एक कोई एस्टैब्लिश प्लेयर चाहिए कोई पुराना चाहिए जो काफ़ी सारे पुराने तरीके से अभी भी काम कर रहे हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ओल्ड प्लेयर इन द इंडस्ट्री देन यू कैन गो विथ ओशियन डब्ल्यू पी अगेन इट्स नॉट बैड बट देयर आर बेटर ऑप्शन अवेलेबल इन फ्री वर्जन राइट नाउ नाउ बिफोर आई ऑन टू द थर्ड पॉइंट देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो कि अच्छी थीम के साथ आपको उसको यूज कैसे करना है वो भी आना चाहिए कि आपके पास अच्छे टूल्स तो है बस उस टूल्स से कुछ अच्छा क्रिएट कैसे किया जाए वो आना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स ऑन इट लाइटनिंग ब्लॉक्स के नाम से है ये जिसमें मैंने बताया कि एक फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन को यूज़ करके आप लोग कैसे एक ब्लॉग बना सकते हैं जिस आपको नाइन्टी प्लस पेज स्पीड स्कोर मिले जिस आपको अच्छी सिक्योरिटी मिले और एक मॉडर्न लुक भी अपने ब्लॉग को दे पाओ तो इसका बैलेंस बनाया है मैंने इस कोर्स के अंदर आप लोग चाहो तो इसको बाय कर सकते हो एंड यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर फ्री एज वेल अगर आप लोग क्लाउडवेज लोगे मेरे लिंक के थ्रू एंड क्लाउडवेज आर द वीडियो स्पॉन्सर्स फॉर दिस वीडियो एज वेल क्लाउडवेज एक मैनेज होस्टिंग कंपनी है इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेज होस्टिंग प्रोवाइडर आउट देयर जो कि आपको अच्छी स्पीड देते हैं सिक्योरिटी देते हैं अप टाइम उनका अच्छा है लोड हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं मैंने उसका डिटेल रिव्यू भी करके रखा है वो भी आपको आई आईवेटेन पर मिल जाएगा और अगर आप लोग क्लाउडवेज लोगे मेरे लिंक के थ्रू और कूपन कोड एंटर

एंड इट इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर their टेम्पलेट्स जो है फ्री में टेम्पलेट कलेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए काफ़ी फेमस है प्लस जो इनकी ई कॉमर्स कंपेटेबिलिटी है वो भी अच्छी है अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्री में हंड्रेड प्लस टेम्पलेट्स मिल जाती है जो कि आपको किसी भी फ्री थी उसमें नहीं मिलती है तो स्टार्टर टेम्पलेट का कलेक्शन इनका काफ़ी अच्छा है फ्री कलेक्शन भी बहुत अच्छा है लाइट वेट है पेज बिल्डर्स के साथ काफ़ी अच्छे से कंपैटिबल है चाहे वो एलिमेंटर हो जाए ब्रीजी हो जाए बीवर बिल्डर हो जाए स्टार्टिंग ही इससे जो मेन फोकस था वो था पेज बिल्डर कंपैटिबिलिटी तो पेज बिल्डर्स के साथ काफ़ी इजीली ये कंपैटिबल है प्लस वो कॉमर्स हो गया एलएमएस एम हो गया सबके साथ ये अच्छे से वर्क कर सकता है इनकी जो डेवलपमेंट टीम है वो काफ़ी अच्छी है काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट होता है यहाँ पर प्लस इनकी टीम इंडिया से भी है और जो इसका कस्टमाइजेशन है वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लेकिन जो इनका फ्री वर्जन है वो थोड़ा लिमिटेड लगता है मुझे यहाँ पर आप लोग ब्लॉग लेआउट के ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है फ्री वर्जन में ग्लोबल ऑप्शन ग्लोबल कलर के ऑप्शन टाइपोग्राफ़ी के ऑप्शन वो फ्री में यहाँ पर मुझे थोड़े लिमिटिंग लगते हैं हेडर फुटर के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप का आपको हेडर एंड फुटर बिल्डर मिल जाता है और जिनका डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो फ्री वर्जन इनका मुझे थोड़ा लिमिटिंग लगता है मीन्स मुझे लगता है कि फ्री वर्जन कोई थोड़ा और ओपन अप कर सकते थे इनका जो फ्री वर्जन है उसमें कम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है काफ़ी कम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं और जो ब्लॉग लेआउट स्ट्रक्चर्स है वो भी अवेलेबल नहीं है फ्री uh, वर्जन में सो एस्ट्रा इज अ थीम कैन बी फॉर ब्लॉग ई कॉमर्स वेबसाइट वेबसाइट कोर्स साइट थी सब पर इस थीम का यूज किया जा सकता है सपोर्ट की बात करें तो देयर इज फ्री सपोर्ट प्रीमियम सपोर्ट एंड प्री सेल्स क्वीर के यहाँ पे ऑप्शन है फ्री सपोर्ट पे आपको यूजटी फोर आवर्स लगते हैं एक से दो दिन लग सकते हैं फ्री सपोर्ट पे और जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज ऑल्सो गुड सो एस्ट्रा इज अ ग्रेट थीम बट यहाँ पर फ्री में कुछ लिमिट्स लग जाती है सो इफ यू आर

नंबर टू फ्री थीम दैट वी हैव इन अवर लिस्ट इज ब्लॉक्सी ब्लॉक्सी रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो रही है फॉर द ऑप्शन दे आर प्रोवाइडिंग इन फ्री वर्जन इसके जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है वो है एट प्रेजेंट सिक्सटी थाउजेंड प्लस इसके प्रोज के बारे में बात करी जाए तो कस्टमाइजेशन के जो आपको फीचर्स मिलते हैं फ्री वर्जन में दैट इज वेरी वेरी गुड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हो ग्लोबल कलर्स हो गए टाइपोग्राफी हो गई लेआउट एडिटिंग के ऑप्शंस काफी है मल्टीपल लेआउट यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो हमने ब्लॉग्स के लिए ब्लॉग लेआउट के ऑप्शंस हैं होम पेज लेआउट के ऑप्शन है कस्टम हेडर एंड फुटर है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो हेडर एंड फुटर को पूरी तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज़ किया जा सकता है स्टिकी साइड बार के ऑप्शन हैं सोशल शेयरिंग बॉक्स मिल जाता है यहाँ पर आपको बिना किसी प्लगइन का यूज़ किए हुए फ्री थीम में ही आई थिंक दीज आर द बेस्ट कस्टमाइजेशन ऑप्शन फॉर अ फ्री थीम फीचर रिच है इवन अगर आप लोग यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ नहीं करोगे बट ये जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर फ्री डेफिनेटली इतने ज़्यादा फीचर्स आपको किसी और फ्री थीम में नहीं देखने को मिलेंगे जो परफॉर्मेंस ये दे रहा है इतने फीचर्स प्रोवाइड करने के बाद भी वो भी काफ़ी अच्छी है इट्स अ लाइट वेट थीम प्लस ये जो परफॉर्मेंस देगा जो पेज स्पीड स्कोर आपको मिलेगा वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है ई कॉमर्स फीचर्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं वो कॉमर्स रेडी है काफ़ी इजीली यहाँ पे वो कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो जो इसका प्रो है वही इसका कॉन भी है दैट इज द अमाउंट ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बिकॉज इतने सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है सो बिगनर मे फाइंड इट ओवरवेलमिंग कि कौन सी चीज़ करूँ कौन सी चीज़ नहीं करूँ और क्योंकि इतने सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको सीखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा देर इज अ स्लाइट लर्निंग कर्व टू नो हाउ टू ऑपरेट दिस थीम सेकेंड जो इसका कौन लगाया वो है इनकी जो स्टार्टअस साइट्स की जो लाइब्रेरी है दैट इज़ मुझे लगता है कि थोड़ा कम है ट्वेंटी वन यहाँ पर आपको फ्री स्टार्टअस साइट्स मिल रही है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है एंड आई होप विथ टाइम यहाँ पर आपको और टेम्पलेट्स देखने को मिलेगी सो दिस इज़ आइडियल फॉर पोर्टफोलियो वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग सब के लिए यहाँ पर ब्लॉक्सी का यूज़ किया जा सकता है सपोर्ट की बात करें तो इनका डॉक्यूमेंटेशन है इट इज डिसेंट नॉट द बेस्ट बट ठीक है यहाँ पर आपको बेसिक uh, इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इनका जो कस्टमर सपोर्ट है दैट कैन रिप्लाई बिटवीन वन टू टू डेज सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पावर पैक्ड फ्री थीम जिस पर आपको अच्छे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाए फीचर रिच हो प्लस ये बैलेंस करे स्पीड के साथ भी so blocksy is the right option for you now coming on to the number 1 free theme some drum roll please that is cadence, cadence is cadence is one of the most popular wordpress themes and it is very fast इन फ्री थीम्स इसके जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है दैट इज़ वन लाख प्लस केडेंस को यहाँ पे एक्वायर किया था आई थीम्स ने अप्रैल 2021 में उसके बाद भी यहाँ पर केडेंस में वही तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है जैसे उसमें पहले किया जा रहा था और स्पीड को यहाँ पर अभी भी प्रायोरिटी दे रहे हैं और फ्री फीचर्स भी यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे दिए कुछ प्रोज़ के बारे में इसकी बात करे जाए तो कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छे हैं ग्लोबल कलर पैलेट हो गया साइट एडिटिंग हो गया बहुत सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं हेडर को यहाँ पे इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं हेडर फुटर को ड्रैग एंड ड्रॉप के यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का यहाँ पर आपको मेन्यू देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग हेडर या फुटर को ईजिली एडिट कर सकते हो हेडर को स्टिकी बना सकते हो ट्रांसपेरेंट कर सकते हो पेज लेआउट के ऑप्शन से ब्लॉग लेआउट के ऑप्शन से फ्री में यहाँ पर सब अवेलेबल है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ लाइट वेट एज वेल आपको पेज स्पीड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी 63 फ्री टैम्पलेट्स हैं यहाँ पर 51 फ्री टैम्पलेट्स है ग्यूटनबर्ग के लिए और आपको बाकी पेज एडिटर्स के लिए भी यहाँ पर टैंप्लेट्स देखने को मिल जाएगी तो जो तो इनका टेम्पलेट कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है केडेंस blocks करके एक प्लग है जो कि काफ़ी अच्छा है जो कि ग्यूटन के साथ में और काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है इस थीम के साथ में एंड यहाँ पर आपको काफी सारे ब्लॉग्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि टेस्टिंग हो गया, गए टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हो गया आइकन फॉर्म्स काउंट गैलरी टैब्स अकॉर्डियन बहुत सारे यहाँ पर आपको ब्लॉग्स देखने को मिल जाते हैं फॉर फ्री एंड देन कस्टम हुक्स का भी यहाँ पर ऑप्शन है अगर आप लोग डेवलपर हो तो यू विल लव दिस फीचर अगर कभी आपने जनरेट प्रेस यूज़ करी हो उसमें अगर आपने हुक्स वगैरह यूज़ करे एलिमेंट्स यूज़ कर हो तो यू कैन यूज़ दैट हियर एज वेल बट उसके लिए यू विल नीड अ प्रो वर्जन फ्री में अवेलेबल नहीं है कुछ कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर बीवर बिल्डर के लिए और ब्रीजी बिल्डर्स के लिए टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं है और एलिमेंटर के भी जो टेम्पलेट्स है वो थोड़ी यहाँ पे लिमिटेड है तो केडेंस थीम इज़ आइडियल फॉर ब्लॉग्स एफिलेट ब्लॉग्स ई कॉमर्स एल एम एस एंड पर्सनल वेबसाइट्स एज वेल नाउ कमिंग ऑन टू द सपोर्ट इनका जो फ्री सपोर्ट है वो भी बाकीों की तरह ही है आपको एक से दो दिन में यहाँ पे रिप्लाई आ जाएंगे बट जो यहाँ पर इसको स्टैंड आउट करता है वो इनके सपोर्ट फोरम्स इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड फोरम कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और जिसने भी यहाँ पे केडेंस का यूज़ किया उसका रिप्लाई कर सकता है तो एक काफी एक्टिव फोरम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितनी सारी यहाँ पे पोस्ट करी गई है इसमें तो वन लाख ट्वेंटी सेवन है एंड देन नाइन थाउजेंड केडेंस थीम्स पे अराउंड सेवन थाउजेंड की है केडेंस ब्लॉग्स पर भी काफ़ी सारी पोस्ट है एंड इसको यहाँ पर रेगुलरली अपडेट भी कर रहे हैं कोई ना कोई यहाँ पर पोस्ट करता रहता है तो जो इसका कम्युनिटी बेस्ड फॉर्म है ना फोरम सॉरी वो इसको यहाँ पर काफ़ी स्टैंड आउट कर देता है सो आई थिंक केडेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्री थीम्स फॉर वर्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी मल्टीपर्पज़ है काफ़ी सारे ऑप्शंस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है ई e कॉमर्स के लिए ब्लॉग्स के लिए एलएमएस के लिए इसका यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है प्लस जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्पीड्स ये मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है दैट्स वाई आई लाइक दिस थीम अ अलॉट प्लस जो यहाँ पर मेरा कोर्स है लाइटनिंग ब्लॉक्स का जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी वो भी इसी थीम के ऊपर बेस्ड है उसमें मैंने वही बता, यही बताया कि इस थीम को कैसे यूज़ करना है तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई रिकमेंडेशन फॉर फ्री थीम्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओवरऑल बेस्ट फ्री थीम इज केडेंस फीचर इज थीम ब्लॉक्सी फ्री थीम फॉर ई कॉमर्स मुझे लगता है यहाँ पे ब्लॉक्सी थोड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी बिकॉज ऑफ द ऑप्शन दैट दे प्रोवाइड और जो इनका इंटीग्रेशन है वो कॉमर्स के साथ में वो यहाँ पे थोड़ा बेटर है केडेंस से वर्ड प्लेस थीम्स फॉर ब्लॉगिंग केडेंस अच्छा ऑप्शन रहेगा फॉर पेज बिल्डर्स यहाँ पर मुझे लगता है एस्ट्रा बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा इफ यू आर प्लानिंग टू यूज़ अ पेज बिल्डर और ग्यूटनबर्ग कले केडेंस और ब्लॉक्सी दोनों अच्छे हैं बेस्ट फ्री थीम्स विद डेमो कंटेंट एस्ट्रा में यहाँ पर आपको हंड्रेड फ्री टेम्पलेट्स मिल जाती है तो एस्ट्रा इज बेस्ट फॉर दैट बेस्ट फ्री थीम्स फॉर एलएमएस केडेंस का इंटीग्रेशन अच्छा है पेड में अगर आप लोग जाओगे तो एस्ट्रा में यू कैन गो एस्ट्रा भी अच्छी है बेस्ट वर्ड प्रेस थीम सपोर्ट केडेंस मुझे अच्छी लगे बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी सपोर्ट फोरम्स और बेस्ट थीम्स फॉर बिगनर्स केडेंस और आस्ट्रा दोनों बिगनर्स के लिए अच्छी है बेस्ट थीम फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एस्ट्रा बट अगर आप लोग उसको अपग्रेड कर रहे हो तो गो विद एस्ट्रा अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो यू कैन अपग्रेड इट फ्री थीम की जरूरत नहीं रहेगी तो एस्ट्रा इज अ गुड ऑप्शन बेस्ट फ्री थीम फॉर बिजनेस वेबसाइट्स केडेंस और ब्लॉकसी दोनों अच्छी रहेगी बेस्ट थीम्स फॉर न्यूज वेबसाइट ब्लॉकसी इज अ गुड ऑप्शन बेस्ट थीम्स फॉर पोर्टफोलियो वेबसाइट केडेंस और एस्ट्रा दोनों अच्छी है सो आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे अगर कुछ और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको दे दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज And I will see you guys in the next one. Goodbye.